नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले आज हम समझेंगे शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, यानी px एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात या एक है या एक से अधिक है, घात यानी x की सबसे बड़ी पावर, और a एक वास्तविक संख्या है। a जो है वो एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक का मतलब है वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, वो पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a, यहाँ जो याद रखने वाली चीज है वो है ये x माइनस a, माइनस a यहाँ माइनस का निशान है, इसको खास तौर पे याद रखना कि x माइनस a, यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग किया जाए तो शेषफल किसके बराबर होता है, p ऑफ a के बराबर। दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें जो मोटी सी चीज याद रखनी है वो ये है, px को x माइनस a से भाग करें तो कितना शेषफल आएगा, pa। बस इतनी लाइन याद रखो जो मैं अब बोल रहा हूँ, ठीक है, इसी को शेषफल प्रमेय कहते हैं। एक बहुपद है px, उसको x माइनस a से भाग करेंगे तो यदि हमें बताना हो बिना भाग किए कि शेषफल किसके बराबर है तो शेषफल होगा p ऑफ a, यानी कि बहुपद में x की जगह a लिख दो, जो वैल्यू आ जाए वही शेषफल होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लो एक बहुपद है 3x² + 4x + 5, यदि इसे एक रैखिक बहुपद x माइनस 1 से भाग किया जाए तो बिना भाग किए हमें शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय के अनुसार हमने जैसा यहाँ पढ़ा, शेषफल किसके बराबर होगा, p ऑफ a, x माइनस के आगे जो भी लिखा है उसको हम p ऑफ a मान लेंगे, तो शेषफल यहाँ x माइनस 1 है तो a हो जाएगा 1 के बराबर, तो शेषफल निकालेंगे तो p ऑफ a यानी p ऑफ 1, यानी ये जो बहुपद था 3x² + 4x + 5, इसमें हम x की जगह क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। देखो मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ, 3 के साथ 3 लिखा, x² x की जगह मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, प्लस 4 x की जगह लिखा 1 प्लस 5। अब हम इसको हल कर लेंगे, एक का स्क्वायर होता है 1, 1 को 3 से गुना किया तो उत्तर आया 3, 4 एकम 4, साथ में +5, तो 3 और 4 7 और 5 12। इसका मतलब यह है कि हमने बिना भाग किए, बच्चों इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भागने की हमने, लेकिन हमें ये देख लिया कि यदि इस बहुपद को इस रैखिक बहुपद x माइनस 1 से भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 12 आ जाएगा, बिना भाग किए हमने शेषफल प्राप्त कर लिया, इसी को शेषफल प्रमेय कहा जाता है। आइए हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद है px, ये px है, px बराबर 4x³ + 3x² - 2x + 3, ये एक बहुपद है। यदि मैं इसको x माइनस 1 से भाग करूं, तो शेषफल किसके बराबर हो जाएगा, p ऑफ 1 के। यदि x माइनस 3 से भाग करूं तो शेषफल किसके बराबर हो जाएगा, p ऑफ 3 के, ठीक है। तो p ऑफ 1 कैसे निकला, 4 x की जगह लिख दिया 1 का क्यूब प्लस 3 x² की जगह लिखा 1² -2 x की जगह लिखा 1 +3 +3। अब याद रखना यहाँ x माइनस 1 था तो हमने ये माइनस नहीं लिया, हमने सिर्फ ये 1 लिया है, यानी माइनस ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x माइनस 3 था तो ये माइनस नहीं लिया, शेषफल होगा p ऑफ 3 के बराबर, इसको हल कर दिया तो ये उत्तर आ गया। इसी प्रकार से p ऑफ 3, इसी बहुपद में x की जगह 3 लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ x माइनस 3 है, माइनस छोड़ दिया 3 ले लिया, तो p ऑफ 3 शेषफल होगा, 4 × 3³ प्लस 3 × x² की जगह 3² -2 x की जगह 3 + 3। इसको हल कर लो, 3 × 9 = 27, 3³ होता है 27, 27 को 4 से गुना किया 108, प्लस 3 × 3² होती है 3 × 9, 9 को 3 से गुना किया तो 27, -2 × 6 +3 +3। इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास आ गया 132।
इसी प्रकार से एक चीज जो ध्यान देनी है वो ये, यदि यहाँ x माइनस ए है फिर तो बड़ी आसान चीज है कि 1 को हमने ए मान लिया, लेकिन यदि यहाँ होगा x प्लस 2, लेकिन हमें तो चाहिए x माइनस ए, तो हमने प्लस को तोड़ दिया, प्लस को लिखा माइनस इंटू माइनस 2। अब ये बन गया x माइनस ए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस ए किसके बराबर आएगा, इसके बराबर यानी -2 के बराबर, इसीलिए यहाँ शेषफल होगा पी ऑफ -2। अब समझ आया आपको ये -2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ x प्लस 2 था, x प्लस 2 को हमने लिखा x माइनस इंटू माइनस 2, क्योंकि हमें x माइनस ए चाहिए होता है, तो इसीलिए ये ब्रैकेट के अंदर जो आया ये ए है, ए बराबर है -2, तो हमने इसी बहुपद में x की जगह लिख दिया -2। इस सारे को हमने हल कर लिया और हमारा ये उत्तर आ गया। इसको हम आगे एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हमने जो इस वीडियो में सीखा वो है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या है, किसी बहुपद पी एक्स को यदि एक्स माइनस ए से भाग किया जाए तो शेषफल किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए के बराबर, यानी एक्स की जगह पूरे बहुपद में, पूरे बहुपद में एक्स की जगह बस ए की वैल्यू डाल देंगे और हल कर लेंगे, वही हमारा शेषफल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको शेषफल प्रमेय अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।